क्वेश्चन नंबर 3, एक स्टोन है जो एक स्ट्रिंग के साथ टाइड अप है, इसके साथ बांधा हुआ है और उसको हैंड के ज़रिए हॉरिजेंटली स्वर्ल किया जा रहा है या इसको रोटेट किया जा रहा है। हमें इस स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड करना है। हमें दिया गया है कि ये स्टोन 100 ग्राम्स है, जिसको अगर हम केजी में कन्वर्ट करेंगे सो इट वुड बिकम 0.1 kg। इस स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो 1 meter है, विच इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ फॉलोड बाय द स्टोन। इस स्टोन की जो वेलोसिटी 2 meter per second है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये स्ट्रिंग इस स्टोन को मजबूर कर रहा है कि ये इस सर्कुलर पाथ में मोशन करे, और वो फोर्स जो एक बॉडी को इस बात पर मजबूर करे कि वो सर्कुलर पाथ में मोशन मेंटेन रखे, उस फोर्स को हम सेंट्रिपेटल फोर्स कहते हैं। सो इस स्टोन पर लगने वाला सेंट्रिपेटल फोर्स ही असल में इस स्ट्रिंग में टेंशन के बराबर है। सो द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज़ इक्वल टू द सेंट्रिपेटल फोर्स। एज वी नो डेट सेंट्रिपेटल फोर्स इज़ गिवन बाय mv² / r। m इज़ द मास ऑफ द बॉडी मूविंग इन द सर्कुलर पाथ, v is the velocity of dead body and r is the radius of the circular path followed by the body, जो कि स्ट्रिंग के लेंथ के बराबर है। रिप्लेसिंग ऑल द वैल्यूज सॉल्व करके हमारे पास टेंशन इन द स्ट्रिंग 0.4 newtons आता है।